धर्म वही है जो लोगों को जोड़ता हो, जो तोड़ रहा हो वो धर्म नहीं हो सकता। वो संप्रदाय संप्रदाय नहीं है जो लोगों का बंटवारा करती हो, जो लोगों को तोड़ती है। जोड़ना ये धर्म का काम है। लेकिन हम लोग जो धर्म देश की ताकत होनी चाहिए थी, वो धर्म आज देश की कमजोरी बन गई, कमजोरी बनती जा रही। ये एक भारतीयों में एक अजीब जैसा नफरत का जो एक असर है वो देखने को मिल रहा है। यहां हर चीज को धर्म के नाम से बांटा जा रहा है। मैंने एक कविता कहीं पढ़ी, बड़ी सुंदर थी। उसमें बड़ा सुंदर लिखा था कि नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरत इतनी बढ़ गई, नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। जानवर भी बट गए, गाय हिंदुओं ने अपना ली और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़ के पत्ते शाखें भी परेशान हो गए, ये पेड़ के पत्ते, ये शाखा, ये टहनियां, ये सब इंसानों को देख के बड़ी परेशान है कि ये क्या कर रहा है ये इंसान। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, और तो और सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए, न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता जा रहा है, जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता जा रहा है कि हरा मुसलमानों का और लाल हिंदुओं का रंग है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमान की हो जाएंगी और हम हिंदुओं के बंटवारे में केवल टमाटर और गाजर ही रह जाएंगी। सारी हरी जो है वो इनकी, लाल लाल हमारी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या शायर कहता है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तरबूज को किस हिस्से में बांटूं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तरबूज को किस हिस्से में बांटूं। ये बेचारा तो ऊपर से मुसलमान और भीतर से हिंदू है। कितनी कितनी विचारों की जो मानसिकता बढ़नी चाहिए थी वो संकुचित कर ली, वो एकदम छोटी बना ली। देखिए, मैं जरूर एक निष्ठा में मानने वाली हूं, जरूर, इसमें कोई दोराया नहीं, एक निष्ठा हो, लेकिन देश बटे ना, समाज बटे ना। हां, मैं मानता हूं मेरे भगवान को और मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन अगर तू तेरे भगवान को मानता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं उसे प्रणाम करता हूं, क्योंकि है तो वो भी एक शक्ति ही, चाहे तुम उसको कोई भी नाम दे दीजिए, मैं उसको सम्मान कर रहा हूं, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। देश बटे ना, हमारा हिंदू धर्म मजाक ना बन जाए। धीरे 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 ऐसा समय ना आ जाए जब लोगों को लगे अरे ये तो भारत देश जो कभी राष्ट्र विश्व का गौरव था वो कहीं धर्म में उलझ के ना रह जाए।